मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार चौतरफा विकास करने में जुटी हुई है। समाज के हर स्तंभ के हित में पंजाब सरकार काम कर रही है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने को लेकर भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के युवाओं का रोजगार को लेकर पलायन न हो, इसके लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नौजवानों को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदार बनने के लिए अपने नए विचारों और खोजों का प्रयोग करने का न्योता दिया है। यहां TIECON के दौरान संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमेशा नए विचारों और खोजों के पक्षधर रहे हैं और आम आदमी को अधिक अधिकार देना समय की मुख्य जरूरत है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों में उद्यमी हुनर को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लास्टर स्कीम की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नौजवानों के करियर के लिए मार्गदर्शन यकीनी बनाना समय की मुख्य जरूरत है। मैं पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के लड़के लड़कियों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी बांटने वाला बनाना चाहता हूं। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनाना चाहता हूं। उसके लिए हमने स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर शुरू किया। हम 5 बच्चों का ग्रुप बना लो, 6 का बना लो, हम 2000 रुपये बच्चे को देते हैं। कुछ बनाओ नया, कुछ आइडियाज बच्चों ने निकाले और फिर उनके साथ हम बड़े जो बिजनेसमैन हैं उसी से रिलेटेड, जो उस कैटेगरी से रिलेटेड, उनके साथ उनका टाइप कराते हैं कि आप इनके साथ बात करो। मतलब बच्चे बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए शुरुआत हो चुकी है उनकी। स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है, 8th क्लास तक बच्चों का पता चल जाता है बच्चा किधर जा रहा है। मेडिकल की तरफ जाना है, स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, म्यूजिक की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, किधर जाना है। तो हमने 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए एक टेस्ट लेके उसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस में हम बच्चों को दाखिला देते हैं, जिससे उनको बड़े स्तर पर सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के नौजवानों की भलाई के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान इस बात को यकीनी बनाना है कि नौजवान नौकरी की तलाशने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बने। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक प्रगतिशील और खुशहाल पंजाब की संरचना करना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा क्रांति के युग की शुरुआत करते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि यह हाईटेक स्कूल नौजवानों के लिए अत्याधुनिक सहूलतों के साथ लैस है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता को यकीनी बनाते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अत्याधुनिक स्कूल विद्यार्थियों को मानक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरक के तौर पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को जिंदगी के हर क्षेत्र में लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह यकीनी बनाना समय की जरूरत है कि वह आने वाले समय के साथ प्रासंगिक बने रहें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य और इसके लोगों की भलाई के लिए असाधारण विचारों को उत्साहित कर रही है। बता दें, पंजाब सरकार ने अब तक 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी उद्योग को भी पंजाब में आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान प्रदेश के युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्टार्टअप खोलने के लिए युवाओं को सरकार मदद भी कर रही है।